हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एरिया चैप्टर जिसमें हम आर एस सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमसे प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। 7A में जो क्वेश्चन है 22 ये बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी यहाँ पे ABCD जो है ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसका हमें एरिया फाइंड करना है इन विच AB जो है AB हमें गिवन है 28, BC जो है वो गिवन है 26 और इसका जो डायगोनल AC है वो हमें गिवन है 30। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने की जो साइड होते हैं यानी DC जो है वो AB का पैरेलल होगा और जो AD होगा वो CD का पैरेलल होगा और ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी AB इक्वल होगा DC का और AD इक्वल होगा BC का। तो यहाँ पे हम किसी एक ट्रायंगल या तो ABC का एरिया निकाल लेंगे या फिर ACD का एरिया निकाल लेंगे। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इसका और इसका आपस में इक्वल होगा, यानी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के जब उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से इसलिए क्योंकि दो ट्रायंगल है, तब हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आ जाएगा। तो देखते हैं नंबर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं। ABC फॉर्मूला होता है S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो सबसे पहले हमें S फाइंड करना होगा, S हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई टू और A हम ले लेते हैं 28 प्लस B लेते हैं 26 प्लस C 30 बाई टू, यानी जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 8 ऐड करेंगे 14, 4 टू 6 टू 8 बाई टू यानी 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे S आ गया मेरे पास। अब फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे S यानी 42 माइनस A जो हम लिए हैं 28 लिए हैं, 42 माइनस 26 और फिर बोला जा रहा है 42 माइनस हो जाएगा C यानी C के जगह पे 30, 42 और 42 में से 28 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14 इंटू 42 में से 26 माइनस करेंगे यानी 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 यानी 16 और 42 में से 30 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। अब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, चूँकि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 14 के जब ले सकते हैं 2 इंटू 7, 16 के जब ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16 और 12 के जब हम ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 और 3, अगेन 7 और 7, 1 2 3 तो 2 बाहर हो जाएगा, 1 2 3 और जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6, 6 7 जा 42 और 42 में 2 से कराएंगे तो 84 इंटू 4 यानी जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 4 जा 16 1 और 8 4 जा 32 और 1 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, दूसरा ट्रायंगल का भी जो एरिया होगा इतना ही होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ट्रायंगल ABC। तो 2 हम इसलिए लिए हैं क्योंकि ट्रायंगल ABC जो है वो इक्वल होगा ACD का, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का निकल जाएगा और ये दोनों का एरिया हमारा पैरेललोग्राम ABCD का एरिया होगा।
तो ये हो गया 336, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 3 2 6 और 1 7 और ये 6, यानी 672 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, यानी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसा ही था, केवल डिजिट को चेंज किया गया है। AB जो है 14 सेंटीमीटर, BC जो है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और AC जो है ये गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में जो DC होगा वो पैरेलल होगा AB का और जो AD होगा वो पैरेलल होगा CB का। और यहाँ पे AB इक्वल टू हो जाएगा DC, AD इक्वल टू हो जाएगा BC, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का। तो किसी तरीके से हम एक ट्रायंगल का जब एरिया फाइंड कर लेंगे, या तो इसका या फिर इसका, और उसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और S का फॉर्मूला जो होता है A+B+C/2। तो A गिवन है हमें 14, B गिवन है 10 और C गिवन है 16/2। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 6 4 10, 2 3 4, यानी 40/2, ये हो जाएगा हमारा 20। अब हम जब इस फार्मूला पे सारे वैल्यू को पुट करेंगे, यानी S के जगह पे 20, A के जगह पे 14, फिर 20-B के जगह पे 10, 20-C के जगह पे 16, यानी ये हो जाएगा 20, और 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा 6, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10, एंड 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4। इसको हम ले सकते हैं 20 की जगह पे 2 × 2 × 5, चूंकि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 5 20, 6 के जगह पे ले सकते हैं 2 × 3, 10 के जगह पे ले सकते हैं 2 × 5 और 4 के जगह पे लिख सकते हैं 2 × 2। अब यहां से 2 बाहर हो जाएगा, 5 और 5 ये भी बाहर हो जाएगा, 2 और 2 बाहर हो जाएगा, एक और 2 बाहर हो जाएगा और अंदर में फंस जाएगा मेरे पास √3। यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 2 से कराएंगे 4 और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 5 जो होता है 40 × √3, और √3 का वैल्यू होता है मेरे पास 14 × 1.73। और जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 40 में 1.73 से तो ये हो जाएगा 69.20। ये हमारे पास एक एरिया का, एक ट्रायंगल का एरिया आ गया ABC का। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों ट्रायंगल जो इक्वल है, ABC इक्वल है ACD का, चूंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू हो जाएगा 2 × ट्रायंगल ABC। तो 2 × ABC जो है ये अभी हम फाइंड किए हैं 69.20, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0 में 2 से कराएंगे 0, 2 में 2 से कराएंगे 4, 9 में 2 से कराएंगे 18 और 6 में 2 से कराएंगे 12 और 1 13। टू डिजिट के बाद 0 है, पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी हमारे पास जो रिजल्ट होगा 138.40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही रिजल्ट हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का होगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला इन द गिवन फिगर मेरे पास गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल जो है वो हमें गिवन है 64,
यानी यहाँ पे जो BD है ये हमें गिवन है 64। AL जो है परपेंडिकुलर है BD पर, AL जो है वो परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है BD पर, एंड CM जो है वो परपेंडिकुलर है BD पर, CM जो है वो परपेंडिकुलर है BD पर, सच दैट AL इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर। AL जो है AL वो हमें गिवन है 16.8 सेंटीमीटर, और CM जो है, जो CM है ये हमें गिवन है 13.2 सेंटीमीटर। ये तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी हमें ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। यानी हम यहाँ पे जो लिखें वो लिखें कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD के सम होगा। यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों के जो एरिया होगा इसको जब हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD में बोल सकते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट, चूंकि हाइट हमें परपेंडिकुलर के रूप में गिवन है, इसको भी बोल सकते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी 1/2 बेस, इसका जो बेस है हमारे पास हो जाएगा ये BD। यहाँ पे लिख लेते हैं BD इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD में हाइट जो होगा हमारे पास AL हो जाएगा, प्लस 1/2। अब देखेंगे BCD में जो बेस हो जाएगा हमारा सेम हो जाएगा BD इंटू हाइट जो होगा वो हमारा हो जाएगा CM। अब वैल्यू जो गिवन है हमें पुट करना है 1/2 BD जो है वो हमें गिवन है 64 इंटू AL, AL जो गिवन है वो है 16.8 प्लस 1/2 BD जो है वो है 64 इंटू CM जो है वो है 13.2, और यहाँ से हमारा कट जाएगा 32 बार में, ये भी हमारा कट जाएगा 32 बार में। यानी अभी से हमें सॉल्व करना है तो पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 16.8 प्लस 32 मल्टीप्लाई 13.2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के थ्रू हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई कर ले और इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर ले, या फिर 32 दोनों में है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 16.8 प्लस 32 कॉमन ले लिए हैं 13.2, ये हो जाएगा 32 इंटू, जब इसको हम ऐड करेंगे तो 8 और 2 हो जाएगा 10, 6 और 3 9 और 1 10, अगेन 1 और 1 2 एंड 3, यानी ये हो जाएगा 32.30, और जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 9, यानी 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।